हीरोज जैसा कुछ नहीं होता, सिर्फ लूजर्स होते हैं। यहां तक पहुंचना मुश्किल था। शक्ति से दुनिया चमकती है, इसे हासिल कर लो। तुम्हें मारा नहीं, बचाया गया है। हेलो गाइस, वेलकम बैक टू योर फेवरेट यूट्यूब चैनल पॉलीग्राम स्टूडियोज, और मैं हूँ आपकी दोस्त और होस्ट प्रगति सिन्हा। तो दोस्तों, जैसा कि अभी तक हम ये जान ही चुके थे कि काल ने रोहित मेहरा के डीएनए का इस्तेमाल करके एक नए बच्चे को जन्म देने का प्लान बनाया, और सिर्फ प्लान ही नहीं बनाया, उसने इस एक्सपेरिमेंट को एग्जीक्यूट भी किया, और कई सारी दिक्कतों के बाद उसने एक ऐसे बच्चे को जन्म दिया जिसमें काल, रोहित मेहरा और कई स्पीसीज के डीएनए फ्यूज थे। लेकिन बस इतना ही नहीं, बल्कि काल ने इसे एक हाईटेक एआई फंक्शनिंग डिवाइस से भी कनेक्ट किया, जिसमें उसने अपनी मेमोरीज, अपने फ्यूचर प्लान्स, उसकी खुद की ओरिजिन जैसे और भी कई सारे डेटा अपलोड किए। काल का कहना था कि उसे ये सब कुछ पता होना चाहिए, जो कि मुझे नहीं पता था कि ये कैसे बना और इसके साथ क्या क्या हुआ। लेकिन इसी के साथ काल ने इसमें एक और डिवाइस इनबिल्ट करी थी, जो कि इसकी ब्रेन की कैपेबिलिटी को कई गुना तक बढ़ाने का काम करती थी। यानी जो भी बॉडी का ब्रेन फंक्शनिंग करने वाला होगा, ये डिवाइस मैन्युअली उसे कई लेवल तक बढ़ा देगी। लेकिन फिलहाल इस बॉडी को कंप्लीट जनरेट और ग्रो होने में अभी काफी लंबा समय लगने वाला था। ये प्रोसेस लगभग ऐसी थी जैसे कि एक टेस्ट ट्यूब बेबी की ग्रोथ के साथ होता है। काल चाहता तो उस डिवाइस की मदद से बच्चे की ग्रोथ को और भी बढ़ा सकता था, लेकिन उसने ये रिस्क नहीं लिया। उसका कहना था कि भले ही इसे बनने में एक साल लग जाए, लेकिन ये बनेगा बिल्कुल परफेक्ट। इसके बाद काल ने रोहित मेहरा का बोन मैरो लिया और क्रिश से लड़ने के लिए निकल पड़ता है, और उसके बाद क्या हुआ ये तो हम सभी जानते हैं। लेकिन अब अगर अपनी करंट स्टोरी पर आए तो यहाँ कृष्णा प्रिया को अपनी डायरी का तीसरा चैप्टर सुनाने जा रहा था, और अब ये सपना उसके उस वक्त का था जब उसके पापा की डेथ हो चुकी थी और क्रिश का बेटा भी पैदा हो चुका था। अपने सपने की तरफ बढ़ते हुए कृष्णा बताता है, मुझे लगता था कि मुझे सपने में सिर्फ वही सब कुछ दिखता है जो पापा की नजरों ने देखा था, लेकिन नहीं प्रिया, मुझे सपनों में वो सब कुछ भी दिखता है जो पापा ने नहीं देखा था, जहाँ पापा मौजूद नहीं थे, यहाँ तक कि पापा के जाने के बाद के सपने मुझे दिखते हैं। अब यहाँ कृष्णा बताता है, प्रिया मुझे वो पहले ही दिख चुका है, मैंने उसे दिन ब दिन बढ़ते हुए देखा है। इतने सालों में मैंने ऐसे कई किस्से देखे हैं जब वो जागा, चिल्लाया, उसकी पावर्स इतनी अजीब थी कि सिर्फ उसे छींक आने से वहाँ पे तबाही हो गई, उसकी देखभाल करने वाला साइंटिस्ट तक जख्मी हो गया। लेकिन एक दिन वो उठ गया, उसका अपने माइंड पर पूरी तरीके से कंट्रोल आ गया, और फिर ये कहते ही वो रुक जाता है, क्योंकि डायरी के पेज को पलटते टाइम उसकी नजर एक ड्राइंग पर पड़ती है जिसे उसे खुद ने बनाया था। प्रिया उसे देखती है और बहुत ज्यादा चौंक जाती है और घबरा के खड़ी हो जाती है। अब फिलहाल ऐसा क्या था उस ड्राइंग में, कृष्णा ने ऐसा क्या बना रखा था जिसे देखकर प्रिया इतनी चौंक गई। जानने के लिए बने रहिए हमारे साथ। एंड दोस्तों, वीडियो अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक करें, शेयर करें अपने दोस्तों के साथ, और हाँ, चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल भी मत भूलिएगा। मिलती हूँ आपसे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए सेफ रहिए, मुस्कुराते रहिए, बाय बाय।